हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, एक्चुअली वर्ल्ड लेवल का टॉपिक है और इस पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, करोड़ों वीडियो बनी हुई है और लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा को मैनेज कैसे करें, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। गुस्सा किसको नहीं आता है, मुझे भी आता है, आप लोगों को भी आता होगा, सबको आता है दुनिया में, लेकिन डिपेंड करता है कि गुस्सा क्यों आता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो आज चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना, कि गुस्सा क्यों आता है और किन किन लोगों पे आप गुस्सा कर सकते हो और किन किन लोगों पे गुस्सा नहीं कर सकते हो। जिन पे नहीं कर सकते हो तो उस पर क्यों नहीं करते हो, वो रीज़न जो है गुस्सा का वहीं पर कंट्रोल है और उसी से सारा कंट्रोल आपका हो जाएगा, गुस्सा मैनेजमेंट, ठीक है ना, कंट्रोल मैनेजमेंट। चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको कि व्हाई एंग्री, आप गुस्सा होते ही क्यों। आप खुद महसूस किए होंगे और आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर्स को देखा होगा, है ना, आप खुद आप जो गुस्सा खुद होते हैं, बच्चे भी गुस्सा होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते, सब गुस्सा होता है। क्यों होता है? सबसे पहला, अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, सबसे पहली बात, आप कुछ कहना चाहते हो, आपको लगता है सिर्फ आप सही हो, दूसरा बेवकूफ़ है, आप उसको जो बोलोगे वो मान लेगा, नहीं मानेगा, गुस्सा आएगा। कोई काम आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, कोई काम आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं कर रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। दूसरा, आप सत्य हो, मतलब आप सही हो, उसके बाद कोई आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत तेज गुस्सा आएगा, जो मेरे साथ होता है एक्चुअली, कि मैं सही हूँ, मेरे पिताजी ने बहुत पहले, आज से करीब 30-33 साल पहले कहा था एक बात, कि अगर तुम सही हो बेटा तो किसी से नहीं डरना जीवन में, और अगर तुम गलत हो तुरंत माफी मांगोगे। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है, एक अच्छा क्वालिटी, लीडरशिप वाली क्वालिटी है। तो अगर आप सही हो, उसका कोई झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था, आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा। और भी गुस्सा आता है जब आप झूठे हो, है ना, और अपना झूठ को सच साबित करना है, उस वक्त भी आप चिल्लाओगे, कस के चिल्लाओगे। ये सब गुस्सा का कारण है। आप जो चाहते हो जीवन में आपको नहीं मिला, एकदम गुस्से में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे आप, उस डिप्रेशन से गुस्सा रोज बढ़ता जाएगा, रोज कचकच करोगे, घर में मारपीट करोगे, झौंझौं करोगे, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो और चिल्लम चिल्ली करोगे, कहीं का गुस्सा कहीं निकालोगे। ऑफिस में आपको वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए, कोई आपका क्रेडिट ले लिया किसी काम का, उससे गुस्सा आपको आया, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, ब्रेकअप हो गया, आपके सामने आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करी, उस पर तेज गुस्सा आएगा आपको, आपका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर उस पर गुस्सा आएगा आपको, आपको लाइफ में वैल्यू नहीं मिला उससे गुस्सा आएगा आपको, आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उससे गुस्सा आएगा आपको। तो गुस्सा का बहुत सब कारण है, हजारों कारण हो सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, अब किस वक्त पे, वेयर टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए और किस पे गुस्सा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको ये 5 टाइप के लोग हैं आपके जीवन में, है, अब देखिए आप किस पे गुस्सा करते हैं और क्यों करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जिस पर आप नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बस वहीं पर गुस्से का कंट्रोल होगा आपसे, सबसे होगा, वही चीज ध्यान रखना है। जो लोग आप पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन यू, जिस जो आप पे निर्भर करते हैं, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपके मम्मी पापा बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, आप पर डिपेंडेंट करते हैं, आप उस पर बहुत तेज गुस्सा कर सकते हो और आपका गुस्सा सुनेंगे भी सुनेंगे, बहुत सिंपल है ना, ये आपके मम्मी पापा जब आप बच्चे थे अब वो आपके गुस्सा करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं सुनोगे तो आपको पिटाई होगी, पिटाई नहीं खाना चाहते तो घर छोड़कर भागना पड़ेगा, बहुत सिंपल से। आजकल टीनेजर लोग कर रहा है, माँ बाप का बात बहुत बुरा लगता है उनको, हमारी बच्ची लोग को बहुत बुरा लगता है, बच्चों को पापा ने ऐसा बोल दिया, पापा ने ऐसा बोल दिया, फिर समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन डिपेंडेंट ऑन यू, जो आप पर डिपेंडेंट है वो आपका गुस्सा सुनेगा, बहुत सिंपल है, और सुनना ही पड़ेगा, वाइस वर्सा है ये। जो आप पर डिपेंडेंट नहीं है, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव, उस पर भी आप गुस्सा कर सकते हो, आपको कोई कीमती सामान तोड़ दिया, मामा चाचा नाना काका चचेरा भाई फुफेरा भाई ममेरा भाई कोई भी हो, आप अगर बड़े हो और छोटे को डांट रहे हो तो वो भी सुनेगा, आप छोटे हो बड़े को डांट रहे हो अगर उससे कोई रिश्ता नहीं है, जैसे नेबर पड़ोसी हो, आप छोटे हो लेकिन बड़े को डांट दिए, सुनना पड़ेगा उसको, वहां पर आप गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि उसको सुन के लेगा वो, है ना, क्योंकि आप भी उसका नहीं खाते वो भी उसका नहीं खाता, जब उसको जरूरत पड़ेगा वो भी आप पे चिल्ला पड़ेगा। तो जहाँ पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट खत्म हो जाता है, सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके गुस्सा आप कर सकते हो। तो मतलब जो आप पे डिपेंडेंट है,
जो आप पे निर्भर है उस पर आप गुस्सा कर सकते हो, जो आप पर डिपेंडेंट नहीं भी तब भी उस पर गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि ना वो आपको खिलाता है ना वो आप उसको खिलाता है। अगर उसने गलती की तो वो आप उसको डांटोगे, अगर उसने आपने गलती की तो आपको वो डांट देगा। बहुत सिंपल है, यहां तक तो ठीक है। क्या आप उस पर गुस्सा कर सकते हो जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत पसंद करते हो? अपनी प्रेमिका पर गुस्सा करके दिखाओ तो मान जाओ, अपनी शादी से पहले तक सबसे पहले कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जब तक आपकी शादी नहीं होती है आप अपने प्रेमिका पे किसी कीमत पे गुस्सा नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी बड़ी गलती ना कर दे। आपको 4 घंटा वेट करवा देगा शादी से पहले, आप 4 घंटा खुशी खुशी वेट करोगे, अब वो जो भी झूठा रीजन देगी या देगा, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, लड़के के लिए भी लड़कियों के लिए भी। आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे, वो उल्टा बोलोगे ओ बहुत अच्छा हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी उसके बाद आप आधा घंटा वेट नहीं करोगे उस लड़की, उसी सेम लड़की का जिसको आप 4 साल से प्यार कर रहे थे, शादी हो जाने के बाद उस लड़की का आप ये आधा घंटा भी वेट करना आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी वाइफ बन चुकी है, वो आप पर डिपेंडेंट हो चुकी है, वो आपका सुनेगी, अब आप सुनेगी तो वो भी सुना देगी, कहकर वो भी डिपेंडेंट है। अब तो लड़कियां बेटियां भी अब डिपेंडेंट है ना, अब डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, स्पेस है उनके पास भी। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई है तब तक आप, जब तक रिलेशनशिप में हो, आप देखिए आप डांट के दिखाइए, आता है गुस्सा कभी? छोटा मोटा हल्का फुल्का गुस्सा आएगा, एकदम हल्का फुल्का, कितनों कीमती चीज तोड़ दे आपका, कितनों आपसे ये हो जाए। देखिए आप फिर से उसको मना लीजिएगा बहुत प्यार से। तो कंडीशन नंबर 1 कि आप अपने लवर पे, फियांसी के ऊपर है ना, दोनों के लिए, लड़के लड़के दोनों के लिए है ना, हस्बैंड वाइफ के लिए। जो हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते, देखिए अपनी वाइफ पे कभी गुस्सा नहीं करते, ऐसा मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, एकदम गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल उनको गुस्सा ही नहीं आता। जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते, बच्चों को किसी गलती पे गुस्सा नहीं आता, वेरी सिंपल। मुझे याद आता है मैंने अपनी बेटी को, 21 साल की मेरी बेटी है, उसको मैंने जब वो 3 साल की थी एक बार उसको मैंने थप्पड़ मारा था बस, उसके मैंने उसको कभी हाथ ही नहीं उठाया, मुझे गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने गुस्से को कंट्रोल किया है। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, किसी को मैं चाहता हूँ, मैं किसी से सच में है ना लगाव है ना, तो फिर उसके प्रति गुस्सा नहीं आता है। तो जब वहाँ गुस्सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, तो फिर इन दोनों केस में हम गुस्सा क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? वेरी सिंपल। अब चलते हैं VVIP इन योर लाइफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ। जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन लवर के बाद सबसे ज्यादा कौन होता है? आपकी बहन का हस्बैंड, घर का दामाद, आपका दामाद, आपके जीजा जी जिसको बोलते हैं आप लोग है ना, मामी मम्मी पापा के लिए दामाद और भाई बहन के लिए सबके लिए जीजा जी। आपका जीजा जी कितना भी बड़ा ब्लंडर कर देता है तब तक आप गुस्सा नहीं होते हो, तब तक जब तक कि आपकी बहन की लाइफ खतरे में ना आ जाए तब तक आप गुस्सा ही नहीं कर पाते हो। आपके घर का कोई भी सामान तोड़ देगा, टूट जाएगा उनसे, मान लीजिए इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप कुछ नहीं बोल पाओगे, वेरी सिंपल। क्यों? रिश्ता ही ऐसा है, गुस्सा वाला रिश्ता ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, वेरी सिंपल। जब कितना भी बड़ा पोजिशन पर हो, दामाद जी घर में बैठे हैं आपको तोड़ देगा बड़े 1 लाख का सामान, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, चुपचाप उठाओगे सामान समेट कर रखोगे, बहन को भले दो बात सुना दोगे लेकिन दामाद को नहीं सुना पाओगे, जीजा जी को नहीं सुना पाओगे। तो ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, जहाँ कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो गया अपने आप ऑटोमेटिक सिर्फ रिश्तों की वजह से, क्योंकि रिश्ता में जहाँ प्रेम की कमी हो जाती है, हमेशा याद रखिए जो मैंने बताया है वीडियो में, स्वयं से प्रेम करिए, अप लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से जब तक प्रेम नहीं करोगे ना, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो आप, नहीं होगा। जिस तरह से अब जब तक अपने मदर टंग को प्यार नहीं करोगे, सबसे पहले अपने मदर टंग मातृभाषा से प्यार करना सीखो, तब दूसरों की मदर टंग की इज्जत कर पाओगे, तब नेशनल लैंग्वेज की इज्जत करोगे, तब इंटरनेशनल लैंग्वेज की इज्जत करोगे, यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। एनीवेज, अब पावरफुल पर्सन है हिम्मत कि आप अपने एरिया के MLA, MLC, MP, मिनिस्टर, इन सबको गाली गलौज कर दो, गुस्सा करके दिखाओ उनके मुंह पे, एकदम वहीं पर ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावरफुल पर्सन के सामने केस नंबर 3, ये 3 केसेस में आप किसी कीमत पर गुस्सा नहीं, अपने बॉस पर गुस्सा करके दिखाओ, वो तभी कर सकते हो जब आपको नौकरी छोड़नी होगी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वो एक ऐड आता था हरी साड़ू करके TV पे, और हैरी का मतलब बताता था हरी साड़ू, उसका फुल मीनिंग आता था, क्यों भाई तो नौकरी.com उसको जॉब दे रहा था।
तो उस तरह से अगर गुस्सा, तब इन तीनों लोगों के लिए जब गुस्सा आपको नहीं आता है या नहीं आ सकता अनलेस एंटिल बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ ना किया हो, है ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, जब यहाँ कंट्रोल है, गुस्सा कंट्रोल मैनेजमेंट है, तो फिर सिर्फ इन दोनों केसेस के लिए गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो उसको आप जो चाहे बोलो, जो चाहे करो, है ना, जैसे चाहे ट्रीट करो, तो वो आप पे गुस्सा, आप उस पर गुस्सा निकालो, वो आप पे गुस्सा नहीं निकालेगा, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जीवन में हमारे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और जब उनका भी हाथ पर, जब उनके पैर खुल जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि अब जा सकता है नौकरी करने के लिए, वही बच्चा जिसको कि आपने डांटा फटकारा बचपन में, उल्टा के जवाब देगा आपको, फिर वो आपको झेलना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जो नॉट डिपेंडेंट है, ना आप उसका खाते, ना वो आपका खाता है, उस पर भी गुस्सा जो करते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप उसका नहीं खाते हो। तो यहाँ तो ये कोई किसी का नहीं खा रहा है, फिर भी तो गुस्सा नहीं कर पाते। तो जब इन तीन केसेस में गुस्सा कंट्रोल होता है, क्योंकि आप जानते हो कि एक आपका बहुत प्यारा है, दूसरा आपकी बहन का दामाद है, जीजा जी है आपका, वो भी बहुत प्यारा है, क्योंकि अपने आप अपनी बहन को आप बहुत प्यार करते हैं, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, जैसा भी है, है ना। तो जहाँ पे प्रेम है, यहाँ भी प्रेम है, आपकी लवर है, फियांसी है, दोनों तरफ से, लड़के के लिए, बॉयज के, गर्ल्स के लिए भी, यहाँ भी बहुत प्रेम है, आप अपनी बहन से प्यार करते हैं, नेचुरल उसके हस्बैंड से भी प्यार होगा, उसके बच्चों से प्यार होगा, है ना। और ये पावरफुल पर्सन है, मजबूरी में आपको प्यार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, है ना। पावरफुल पर्सन दबंग लोग हैं, आप उनको प्यार करना ही पड़ेगा, आप उनको सिर्फ घर में बैठे बैठे गाली दे सकते हैं, जैसे हम लोग घर में बैठे बैठे प्रधानमंत्री भी गाली देते हैं, राष्ट्रपति भी गाली देते हैं, ना सबको चोर चौहाड़ कहते रहते हैं, ना, तो इसीलिए घर में बैठे वो सुन नहीं रहे हैं। है हिम्मत हम लोगों को कम जाके सामने बोल सके? इस पर भी मैंने वीडियो बना के दिया था आप लोगों को कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हमेशा सब लोग गाली गलौज करते रहते हैं, बड़ी बुरी तरह से लोग बोलते हैं उनके बारे में, बहुत बुरा लगता है। अरे एज का तो ध्यान रखो, कम से कम उनकी उम्र का तो ध्यान रखो, वो किस कैटेगरी से आते हैं, किस बैकग्राउंड से, उससे क्या फर्क पड़ता है, अब राजा ही हो तो क्या फर्क पड़ गया। एक राजा ऐसा होता है, इतना असभ्य राजा होता है। तो ये सब ये तब होता है जब प्रेम की कमी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लव योरसेल्फ फर्स्ट, अपने स्वयं से प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करोगे, अपने आप से प्रेम करोगे, अपनी क्वालिटी को पहचानोगे, अपने टैलेंट को पहचानोगे, अपना भी भला करोगे, दूसरे का भी भला करोगे। और जहाँ प्रेम की कमी हो गई, इस केस में कहीं प्रेम की कमी नहीं है, क्योंकि ये मजबूरी में है, ये स्वेच्छा से, ये इंटेंशनली है, ये अनइंटेंशनली है, फोर्सफुली है। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि कोई आप पे डिपेंड करता है तो आप उस पर गुस्सा हो रहे हो, बहुत सिंपल है, क्योंकि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। यही लवर, यही वाइफ, यही फियांसी, चाहे बॉयज हो गर्ल्स, दोनों तरफ से ले लो, शादी से पहले आपका 4 घंटा वेट करेगी, 6 घंटा वेट करेगा, और उसके शादी के बाद देखो आप आधा घंटा वेट नहीं कर पाओगे, गारंटी वारंटी के साथ देता हूँ मैं। कर भी लिया तो सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल तक, वेरी सिंपल। ये बहुत पुरानी कहावत है, है ना, वाइफ जो होती फर्स्ट 3 ईयर्स जो होती है वो सूर्यमुखी होती है, 5 ईयर्स तक चंद्रमुखी होती है, 5 ईयर्स के बाद वो ज्वालामुखी होती है। दोनों के लिए होता है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होता है, और इस बात को कभी नहीं भूलना है। दैट इज कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट। प्रेम रहेगा तो एंगर रहेगा, ये सोचना है कि जो काम हमेशा आपके हिसाब से काम नहीं होगा, ये बात को हमेशा सत्य मानना है। ऊपर से जो डिपेंडेंट है उस पर गुस्सा निकाल सकते हो आप, जो डिपेंडेंट नहीं है उस पर भी गुस्सा निकाल सकते। इन तीनों केसेस में आप किसी कीमत पर गुस्सा नहीं निकाल पाओगे। जब यहाँ नहीं निकाल सकते हो तो यहीं पर आपको मैनेज करना है कि यहाँ पे प्रेम है इसलिए गुस्सा नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं है इसका मतलब, यहाँ भी प्रेम है लेकिन डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो आपके ऊपर निर्भर है इसलिए आप उसको गुस्सा दिखाते हो, इसका आप खाते नहीं इसलिए आप गुस्सा दिखाते हो। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हिपोक्रेसी बोलते हैं, वेरी सिंपल। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके लिए गुस्सा होता था आपको, इसके लिए भी गुस्सा होता था आपको। ये बात आपको समझना है कि गुस्सा का जो लेवल है किस लेवल पे लेके जाना है और किस लेवल तक उसको रखना है, हाउ टू अप्रोच, वेयर टू अप्रोच, दैट इज कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बीइंग।